आशा भरी नारी, ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। जीवन सीखने का कभी ना खत्म होने वाला अनुभव है। मुझे लगता है कि जीवन में हम जो कुछ सीखते हैं और प्रत्येक व्यक्ति या चीज जो हमारे जीवन में आती है वह सीखने की यात्रा है। हम अपने जीवन में सभी प्रकार के लोगों के बारे में सीखते हैं, हम सभी प्रकार की चीज़ों के बारे में सीखते हैं और ये बहुत ही दिलचस्प बात भी है। दोस्तों, हम अपने जीवन में कुछ स्थितियों से गुजरना सीखते हैं। जीवन में सब कुछ एक अनुभव है। दोस्तों, हमारे पास जीवन में जितना अधिक अनुभव है हम उसके बारे में उतने ही बेहतर शिक्षित हैं। सीखना और शिक्षित होना ना केवल स्कूल में होता है बल्कि मुख्य रूप से यह घर पर भी होता है। ट्रांसवर्ल्ड रेडियो के कार्यक्रम आशा भरी नारी के एक और एपिसोड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यह शो हमारे देश और यह शो हमारे देश के विश्वास योग्य, उत्साहवर्धक और आशा प्रेरक महिलाओं को बढ़ाने के लिए समर्पित है। पिछले कुछ हफ्तों में हमारे विषय माताओं और बेटियों पर केंद्रित रहे। एक माँ और बेटी का रिश्ता जीवन का और जीवन में सबसे महत्वपूर्ण और परिभाषित रिश्तों में से एक है। परमेश्वर के प्रेम के साथ यह बंधन आसानी से टूटता नहीं है। हमें उम्मीद है कि हम आपकी बेटी के साथ बंधन को मजबूत करने के लिए आवश्यक आरंभ करने में सक्षम हुए हैं। जब से हम छोटी लड़कियों के रूप में बड़े हुए हैं, दुनिया बहुत बदल गई है। इसलिए माताओं के रूप में हमें अपनी लड़कियों को जीने, फलने फूलने और जीवित रहने के लिए सही तरीकों और कौशल से युक्त करने की आवश्यकता होती है। सीखना जीवन का एक रोचक हिस्सा है और इसे रोचक बनाता है। लेकिन मुझे लगता है कि जीवन खोजों से भरा हुआ है। जीवन उन चीज़ों से भरा है जो सीखने के लिए हैं। हमारे दिमाग में अधिक से अधिक जानकारी को अवशोषित करने का प्रयास करने के लिए, और यह हमारे दिमाग को अधिक सक्रिय भी बनाता है, खुद को और अधिक जीवंत बनाता है। और जब हम लोगों के साथ बाहर होते हैं तो आप जीवन में बहुत सी चीज़ों के बारे में बहुत सारी बातचीत कर सकते हैं। आप कोई भी विषय ले सकते हैं दोस्तों और उसे इतना दिलचस्प बना सकते हैं कि लोग उसे सुनेंगे और वे फिर शिक्षित भी होंगे। जितना अधिक आप पढ़ते हैं उतना ही आप दुनिया और वर्तमान घटनाओं के बारे में जानते हैं। जो हो रहा है उसमें आपकी बहुत दिलचस्पी हो जाती है। बेशक हर कोई अलग अलग होता है और हर किसी के जीवन में अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं। आप लोगों से बात कर सकते हैं और आप अपने खुद के क्षितिज का विस्तार कर सकते हैं। यह जीवन को बहुत रोचक बनाता है। एक अच्छा, प्रभावी और पूर्ण जीवन जीने के लिए अच्छा जीवन कौशल आवश्यक है। लेकिन फिर भी अधिकांश संस्कृतियों में उन जीवन कौशलों को सीखने का मौका छोड़ दिया जाता है। जब उन जीवन कौशलों को विकसित करने की बात आती है जिनकी हमें वास्तव में आवश्यकता होती है, वे जीवन कौशल जो एक बेहतर जीवन की ओर ले जा रहे हैं, उनमें परिपक्वता से अधिक महत्वपूर्ण कोई नहीं है। लेकिन वास्तव में परिपक्वता है क्या और आप इसे कहाँ से प्राप्त करते हैं? ईमानदारी से कहा जाए तो कुछ लोग कभी बड़े नहीं होते। अब बड़े होने के अलग अलग पहलू हैं। बचपन से कठिन किशोरावस्था में, फिर व्यस्तता में जाना, उनमें से एक पहलू है अपने जीवन की जिम्मेदारी को लेना। बेशक वर्षों से हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है या होता आया है, अच्छा हो या बुरा, हमारे नियंत्रण में नहीं होता है दोस्तों। अक्सर ऐसे तूफान आते हैं जिन्हें हमने आते हुए देखा ही नहीं, और फिर भी यह आश्चर्य की बात है कि हमारे जीवन में कितनी चीज़ें वास्तव में हमारे नियंत्रण में हैं। हम अपने द्वारा लिए गए निर्णयों के माध्यम से कितनी चीज़ें बदल सकते हैं या प्रभावित कर सकते हैं। एक बच्चे के रूप में हम अपने माता पिता को देखते हैं, और जब हमारे लिए कुछ बहुत बड़ा होता है, वास्तव में बच्चे अपने माता पिता पर दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए, कहीं रहने के लिए, मेज़ पर भोजन के लिए, उनके तन पर कपड़ों के लिए निर्भर होते हैं। वे उन्हें इधर उधर ले जाने के लिए, उनके खेल कार्यक्रम देखने के लिए या वार्षिक स्कूल भाषण में उनके पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए माँ और पिताजी पर भरोसा करते हैं। एक निरंतर लड़ाई चलती रहती है जब माता पिता अपने बच्चों को खुद की जिम्मेदारी लेना सिखाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो उनके अधिकार में रहते हैं। यह किशोरी और माता पिता के लिए भ्रमित करने वाला है।
यही कारण है कि किशोरावस्था में अक्सर इतना संघर्ष होता है। हालांकि जब हम उस प्रक्रिया से गुजरते हैं तो हमें जिम्मेदार युवा व्यसक होना चाहिए। हमारे पास सीखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हम स्वयं को प्रदान करने और जितना संभव हो सके अपने जीवन की दिशा को नियंत्रित करने के लिए और अपने कार्यों के परिणामों के मालिक होने की जिम्मेदारी लेना जरूरी भी है और यह आवश्यक भी है। नीति वचन 22:6 में हमें याद दिलाया गया है कि लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसे चलना चाहिए और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। परमेश्वर की महिला के रूप में, माता पिता के रूप में हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी अपने बच्चों को परमेश्वर की ओर ले जाना है। दोस्तों, जब कोई बच्चा दुनिया में आता है तो वह भोजन के लिए, अपनी सफाई के लिए और आश्रय प्रदान करने के लिए पूरी तरह से अपने सांसारिक माता पिता पर निर्भर होता है। बचपन और किशोरावस्था एक बच्चे के रूप में पूर्ण निर्भरता से एक वयस्क के रूप में पूर्ण स्वतंत्रता की ओर पढ़ने की एक प्रक्रिया है। यह पता लगाने की प्रक्रिया में कि वो कौन है, बच्चे धीरे धीरे अपने माता पिता के माध्यम से अनुभव किए गए कई लोगों, विचारों और भावनाओं से दूर हो जाते हैं और उन लोगों, विचारों और भावनाओं की ओर बढ़ते हैं जिन्हें उन्होंने अपना बनाया है। हर बच्चा बहुत कम उम्र में ही परमेश्वर के प्रेम और सुरक्षा को समझने में सक्षम होता है, लेकिन यह एक प्रक्रिया है दोस्तों, जो उसके बचपन के वर्षों में होती है। एक प्रक्रिया में उसकी निर्भरता को उसके माता पिता से परमेश्वर में स्थानांतरित करना शामिल है। हमारी बेटियां 12 साल की उम्र में आसपास की पहचान के साथ संघर्ष करती हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि ज़्यादातर 12 साल के बच्चे वयस्क के रूप में सोच सकते हैं। वे अमूर्त सोच और प्रतीकवाद को समझने में सक्षम हैं। मेरा मानना है कि आपकी बेटी को उसकी आध्यात्मिक पहचान स्थापित करने में मदद करने के लिए 12 साल की उम्र एक अनुमानित समय है। हाई स्कूल की प्रतीक्षा ना करें, बहुत देर हो जाएगी। उन्हें यह समझने में मदद करना शुरू करें कि वो हैं कौन। उन्हें खुद को देखने में मदद करें जैसे परमेश्वर उन्हें देखते हैं। यदि आपके बच्चे को खुद की पहचान और उद्देश्य नहीं मिला है तो वे दुनिया में कहीं खो जाएंगे। दोस्तों, मैं अक्सर खुद को यह सवाल पूछते हुए पाती हूँ, क्या यह वास्तव में परमेश्वर के लिए मायने रखता है कि क्या आप खाना बनाना जानते हैं या नहीं, कपड़े धोना जानते हैं या नहीं, बाथरूम साफ करना जानते हैं या नहीं। एक अच्छा जवाब यह हो सकता है, बिल्कुल। जब हम जीवन में आगे बढ़ते हैं तो प्रभु चाहते हैं कि हम अपने मन और हाथों को अच्छे के लिए, प्रभावी बनाने के लिए अपने आप को प्रशिक्षित करें। जितना अधिक हम जानेंगे उतना ही बेहतर होगा कि हम ना केवल अपनी बल्कि दूसरों की भी देखभाल कर सकते हैं। माता पिता और अभिभावकों के रूप में यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को जीवन कौशल सिखाएं, उन्हें एक स्वस्थ कार्य नीति विकसित करने में मदद करें और उन्हें अपने विकास और सीखने की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित करें। परमेश्वर के वचन में कुछ पैटर्न हैं जिनका पालन हम अपनी बेटियों के लिए माताओं के रूप में कर सकते हैं। सबसे पहले विकास की ज़रूरत है। परमेश्वर अपने बच्चों के लिए विरले ही कुछ ऐसा करता है जो वे अपने खुद के लिए कर सकते हैं। यद्यपि वह पूरी तरह से प्रेम करने वाला और सहायक है, वह जानता है कि परीक्षाएं विकास का एक अवसर है, इसलिए वो हमें सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करते हुए अपनी समस्याओं को हल करने के लिए अपनी क्षमताओं, कौशल और बुद्धि का उपयोग करने देता है। परमेश्वर के माता पिता होने के आदर्श पैटर्न का पालन करने के लिए हमें सीखना होगा कि कैसे कभी कभी एक कदम पीछे हटना ज़रूरी है। कभी कभी हमारी बेटियों को अपने दम पर कुछ करने देना मुश्किल होता है जब हमारे लिए वह करना उनसे तेज या अधिक सुविधाजनक होगा, लेकिन हमें सीखने की प्रक्रिया के साथ धैर्य विकसित करना होगा क्योंकि इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। हमें अपनी बढ़ती हुई बेटियों को सीखने के लिए जगह देने की ज़रूरत है। हम अक्सर सोचते हैं कि पीछे हटने का मतलब है कि हम अपने बच्चों की उपेक्षा कर रहे हैं या उन्हें बिना किसी वयस्क सहायता के सब कुछ करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इसका वास्तव में मतलब यह है कि हम अच्छे व्यवहार की मॉडलिंग कर रहे हैं, अपनी बेटियों को निर्देश और सलाह दे रहे हैं और उनका समर्थन करने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए, फिर उन्हें अपने दम पर प्रयास करने के लिए एक जगह दे रहे हैं। क्या आपको वो समय याद है जब आपने अपनी बेटी को चलना सिखाया था?
सबसे पहले आपको उनके सामने चलने की ज़रूरत है ताकि वो देख सकें कि ये किया कैसे जाता है। तब आप उनके पैरों को अपने ऊपर रख सकते हैं और चला सकते हैं ताकि वो बैलेंस करने की अभ्यस्त को जारी रखें। और अंत में आपने उन्हें इसे स्वयं करने दिया। कभी कभी आपको उन्हें गिरने देना होता है और आप उन्हें तुरंत नहीं उठाते हैं, आप उन्हें खड़े होने देते हैं और आप फिर से प्रयास करते हैं। समय के साथ, धैर्य और अभ्यास के साथ वो सीख जाते हैं। बच्चों को पहले उदाहरण से पढ़ाएं, फिर निर्देश से और फिर अभ्यास से। उन्हें सिखाने के लिए इसे छोटे छोटे चरणों में छोड़ दें, उन्हें गिरने दें। उन्हें सिखाएं कि असफलताएं सीखने और फिर प्रयास करने का एक अवसर है। महिलाओं के रूप में यह महत्वपूर्ण है कि हम अपनी बेटियों को जीवन कौशल पर ध्यान देना सिखाएं। उन जीवन कौशलों की पहचान करें जो आपके बच्चों के लिए सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, ना केवल शारीरिक कौशल जैसे भोजन तैयार करना, साफ सफाई करना, बल्कि सामाजिक और भावनात्मक कौशल जैसे दूसरों के साथ बातचीत करना और अस्वीकृति का सामना करना। ऐसी गतिविधियों और सेवा की योजना बनाएं जो आपके बच्चों को नए कौशल का अभ्यास करने और उनमें आसपास की दुनिया में सकारात्मक योगदान करने की तैयारी दें। उन्हें यह सिखाना याद रखें कि अगर उन्हें आत्मनिर्भर होना है तो हम जो कुछ भी करते हैं उसमें उन्हें परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए। हमें अपने बच्चों को अपने जीवन में लगातार परमेश्वर के हाथ को स्वीकार करते हुए अपने दम पर काम करने देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। हमारी बेटियों को कौशल सिखाना आसान नहीं होगा, लेकिन यह सीखने लायक ज़रूर होगा। तो आप शायद पूछ रही हैं, ये महत्वपूर्ण जीवन कौशल है क्या जिन्हें सिखाया जाना चाहिए? खैर दोस्तों, हर बच्चे, बेटा या बेटी को इन्हें जानना चाहिए। कुछ सबसे मूल्यवान चीज़ें जिन्हें हम वयस्कों के रूप में जानते हैं, उन्हें कक्षा, व्याख्यान या उपदेश में नहीं पढ़ाया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सबसे बुनियादी जीवन कौशल देखने और करने से ही बेहतर तरीके से सीखे जाते हैं। पहला मूल्यवान सबक आर्थिक प्रबंधन या मनी मैनेजमेंट है। हमारी बेटियों को यह जानने की ज़रूरत है कि पैसा पेड़ों पर नहीं उगता है। हमें इसके लिए काम करने, इसे बचाने, बजट बनाने और इसे जिम्मेदारी से, समझदारी से खर्च करने की ज़रूरत है। उसके साथ बैठें, उसे एक साधारण कच्चा बजट बनाने में उसकी सहायता करें। आप बचत, खर्च और साझा करने के लिए लिफाफों का उपयोग कर सकती हैं। आप जब खरीदारी के लिए बाहर जाते हैं या ऑनलाइन खरीदारी भी करते हैं तो अपनी बेटियों को समझाएं कि आप अपने द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले उत्पादों को क्यों चुनते हैं और सर्वोत्तम मूल्य खोजने के लिए यह कैसे लाभदायक होता है। जिन बच्चों ने अपने सभी भत्ते का उपयोग कर लिया है उन्हें अधिक देकर उन्हें ना बिगाड़ें। इसके बजाय अपनी बेटी को परिणामों को समझने दें और उसे बेहतर विकल्प बनना सिखाएं। अपने बच्चों को किसी चीज़ के लिए बचत करने और स्वयं उसके लिए भुगतान करने की खुशी का अनुभव करने दीजिए। दूसरा, हमें अपनी बेटियों को अपने शरीर की देखभाल करने और स्वच्छता को बनाए रखने के बारे में सिखाने की ज़रूरत है। जैसे जैसे लड़कियां बड़ी होती जाती हैं उन्हें अपने शरीर और बालों को धोना सीखना चाहिए। उन्हें विशेष रूप से मासिक धर्म के दौरान स्त्री स्वच्छता के बारे में सिखाइए। शौचालय जाने के बाद उन्हें खुद को पोंछने का सही तरीका सिखाइए। उन्हें अपने दांतों को ठीक से ब्रश करना और अपने नाखूनों को साफ रखना सिखाइए। बेशक आपको स्वयं पहले उनके लिए यह करना होगा, जिसके बाद आप उनकी निगरानी कर सकते हैं। आपको यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन्होंने प्रक्रिया को अच्छी तरह से सीखा है, आपको इसे हर दिन कई हफ्तों तक करना होगा। युवा टीम्स और किशोरों को डिओड्रेंट के बारे में सिखाया जा सकता है और इसे कैसे इस्तेमाल करना चाहिए यह याद रखना चाहिए। इसे अपने दांतों को ब्रश करने जैसी दिनचर्या में शामिल करें। जिस तरह से हम खुद को प्रस्तुत करते हैं वह आज की दुनिया में मायने रखता है। हमारी युवा लड़कियों को बुनियादी शिष्टाचार और सामाजिक शिष्टाचार सिखाने की ज़रूरत है। उन्हें सुनहरे शब्द कृपया, धन्यवाद और क्षमा करें सिखाइए। उन्हें सिखाइए कि फ़ोन का जवाब कैसे दें। हमारे बच्चों को यह जानने की ज़रूरत है कि जब वे बात करते हैं तो लोगों को सम्मानपूर्वक कैसे संबोधित करें। छोटे बच्चों को सिखाएं कि जब वयस्क बातचीत कर रहे हों तो बीच में ना आएं। संघर्षों को कैसे हल करें,
कैसे साझा करें और असहमति का सामना कैसे करें, यह जानने के लिए प्रशिक्षण आधार के रूप में भाई बहन की बातचीत का उपयोग करें। अपने बच्चों को संघर्षों के माध्यम से शांति का प्रशिक्षण दें। भोजन हमेशा घर का केंद्र होगा। परिवार के लिए पौष्टिक खाना बनाना बहुत जरूरी है और बच्चे खाना बनाना सीख सकते हैं। क्या आपके बच्चे रसोई में आपका सहयोग करते हैं? उन्हें आपके साथ उनके साथ भोजन की योजना बनाएं। खाना पकाने को पारिवारिक मामला बनाएं और उन्हें उम्र के हिसाब से कामों में शामिल करें। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, उन्हें देख रेख में परिवार के लिए संपूर्ण भोजन बनाने का कार्य सौंपें। जब आप स्टोर पर खरीदारी कर रहे हों तो अपने बच्चों को खाद्य लेबल की तुलना करके अपने बच्चों को सिखाएं कि आप जो खाद्य पदार्थ खरीदते हैं उसे क्यों खरीदते हैं। एक और महत्वपूर्ण जीवन पाठ है अध्ययन की आदतें। यदि वे अकादमिक रूप से सफल होते जा रहे हैं तो बच्चों को अध्ययन की अच्छी आदतें सीखने की जरूरत है। सबसे प्रभावी आदतें अक्सर सबसे सरल और सबसे बुनियादी होती हैं। एक समय निर्धारित करें, अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ वैसा ही व्यवहार करना सिखाएं जैसा वे किसी अन्य गृह कार्य के साथ करते हैं। इसे करने के लिए अच्छा समय निर्धारित करें। भटकने वाली चीज़ों को दूर करें। अपने बच्चों को घर पर एक शांत जगह बनाने में मदद करें जहां हल्ला कम से कम हो। सीखने के लिए लिखें। यदि आपका बच्चा किसी प्रश्नोत्तरी या परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो उसे वे बातें लिखने के लिए कहें जो जानने के लिए ज़रूरी हैं, जैसे कि फ्लैश कार्ड या आउटलाइन पर। उन्हें स्वयं या दूसरों के साथ मौखिक रूप से सामग्री की समीक्षा करना सिखाएं। अध्ययन समूह एक बड़ी मदद हो सकता है। उन्हें एक निश्चित समय के लिए अध्ययन करने के लिए प्रतिबद्ध होने में मदद करें दोस्तों, और फिर उन्हें एक छोटी सी ब्रेक के साथ खुद को पुरस्कृत करने दें। माताओं के रूप में हम ऐसे कामों की योजना बना सकते हैं जो हमारे बच्चों को देने के लिए उम्र उपयुक्त है, ताकि वे भी घर की देखभाल करने और परिवार के रूप में एक साथ काम करने और उसे सीखने में योगदान दे सकें। सफाई के बारे में नियम और अपेक्षाएं निर्धारित करें और सुनिश्चित करें कि वे अपने कामों को सही तरीके से पूरा नहीं करने के परिणामों से अवगत हैं। अपने छोटों के लिए आप खिलौनों को दूर रख सकते हैं यदि उन्हें खेलने के समय वो उन्हें ठीक तरीके से नहीं रखते तो। घर की सफाई करते समय अपने बच्चों को अपने साथ आने के लिए कहें और फिर उन्हें आपकी मदद करने के लिए उम्र के हिसाब से काम दीजिए। इसे तब तक नियमित करें जब तक कि आपके बच्चे विशिष्ट कार्य स्वयं ना कर सकें। बच्चों की यह पीढ़ी इंटरनेट के साथ बड़ी है और हम इससे कितना भी बचना चाहें यह एक सत्य वास्तविकता है। जबकि इंटरनेट एक अविश्वसनीय उपकरण है, यह कुछ नुकसानों के साथ भी आता है। हम अपने बच्चों को इंटरनेट ब्राउज करने से नहीं रोक सकते क्योंकि उनका पूरा जीवन लगभग इसी के इर्द गिर्द घूमता है। इसके बजाय हम विशिष्ट सॉफ्टवेयर का उपयोग करके अपने बच्चों की जासूसी नहीं बल्कि निगरानी कर सकते हैं। जब आप छोटी छोटी समस्याओं को नोटिस करते हैं तो उन्हें बात करने के अवसर के रूप में उपयोग करें। हमारी बेटियों को यह सिखाया जाना चाहिए कि ऑनलाइन बिताया गया सूचनात्मक आकर्षक और उद्देश्यपूर्ण समय होना चाहिए। उन्हें सिखाएं कि इसका बहुत अधिक हिस्सा हमें सीखने और खुद को व्यस्त करने के लिए बेहतर तरीकों से वंचित कर सकता है। अपने बच्चों के लिए हमेशा सीमा निर्धारित करें। हमारे बच्चों को यह जानने की ज़रूरत है दोस्तों कि उन्हें ऐसे प्रोग्राम डाउनलोड नहीं करने चाहिए जो उन विक्रेताओं से नहीं हैं जिन्हें आप अनुमोदित करते हैं। दूरी और अविश्वास की स्वस्थ भावना के साथ अपनी लड़कियों को ऑनलाइन बातचीत करना सिखाएं। उन्हें बताएं कि लोग हमेशा वो नहीं होते जिसका होने का वो दावा करते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि वे समझें कि उनका शरीर एक निजी चीज़ है, ना कि दूसरों के लिए प्रसारित की जाने वाली कोई वस्तु। जबकि इस विषय पर बात करना मुश्किल हो सकता है, अपने बच्चों को पोर्नोग्राफी के खतरे के बारे में बताइए। उन्हें पीडोफाइल के बारे में शिक्षित करें। एक माँ और आशा भरी नारी के रूप में हमें पारिवारिक भक्ति को प्राथमिकता देनी होगी। प्रार्थना करने के लिए एक विशेष स्थान बनाएं जहाँ प्रार्थना अनुरोध लिखें और व्यक्त किए जा सकें। एक ऐसा स्थान जहाँ परमेश्वर के वादे अनुभव और ज़्यादा जाने जा सकते हैं। अपने बच्चों को प्रार्थना करने और वचन पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। हम मसीह माताओं के लिए यह
बच्चों की बढ़ती उम्र उन्हें महत्वपूर्ण सत्य और चरित्र लक्षण सिखाने और साझा करने के लिए महत्वपूर्ण है। यह माता पिता होने के सबसे अद्भुत विशेषाधिकारों में से एक है, लेकिन यह एक भयावह जिम्मेदारी की तरह भी लग सकता है, खासकर ऐसी दुनिया में जहाँ लगभग कोई भी मूल्य और विश्वास स्वीकार रहे। सौभाग्य से दोस्तों, हमें इसे अकेले या बिना निर्देशन के नहीं करना है। परमेश्वर ने अपने वचन में माता पिता होने और बच्चों की परवरिश करने के लिए बहुत सारे निर्देश दिए हैं। बाइबल में परिवारों के वास्तविक जीवन के कई उदाहरण भी हैं। उनमें से हम ऐसे पालन पोषण के उदाहरण देख सकते हैं जो काम करते हैं, साथ ही साथ जो नहीं करते हैं। परमेश्वर आपको वो अनुग्रह, धैर्य और बुद्धि प्रदान करेंगे जो आपको उन बच्चों की चरवाही करने के लिए चाहिए जो उसने हमें दिए हैं। हम में से कुछ शायद सिंगल पेरेंटिंग या विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों की परवरिश जैसे मुद्दों का सामना कर रहे हैं। आपकी स्थिति जो भी हो, हमें विश्वास है कि ईश्वर की शक्ति आपको धर्ममय युवतियों को ऊपर उठाने के लिए आपकी यात्रा में समर्थन करेंगी जो उन्हें पूरे दिल, आत्मा, दिमाग और शक्ति से प्रेम करती है। हमारे लड़कियों को खुद से बिना शर्त प्यार करना सीखना चाहिए, अपने सपनों का पालन करना चाहिए और अपनी क्षमता के अनुसार जीना चाहिए। हमारी बेटियों को उनकी ताकत और गुणों को पहचानना चाहिए जो उन्हें अद्वितीय और अलग बनाती है, जबकि हमारी लड़कियों के लिए यह विश्वास करना आसान है कि दूसरे उनके बारे में क्या कहते हैं। हम सकारात्मक और उत्साहजनक रहकर उस कहानी को बदल सकते हैं। दोस्तों, हमारी लड़कियों को दयालु, दानी और सहानुभूतिपूर्ण बनना चाहिए। उन्हें दुनिया के मानकों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। एक माँ के रूप में हम अपनी बेटी के सबसे बड़े चीयर लीडर्स, सबसे बड़ा सहारा और उसके सबसे बड़े प्रशंसक हैं। संचार की लाइनें खुली रखें, मजबूत संबंध बनाएं, उसके सबसे अच्छे दोस्त बनें, अपना दिल खुला रखें और कंधे रोने के लिए तैयार रखें। परमेश्वर की मदद से आप कल की तुलना में आज एक बेहतर माँ बन सकते हैं और उसकी मदद से आप अपनी बेटी को सबसे अच्छा बनने के लिए बड़ा कर सकते हैं जो उसे होना चाहिए। आज हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आप प्रोत्साहित और धन्य हुई होंगी। अगले हफ्ते हम आपसे फिर मिलते हैं इसी समय आशा भरी नारी के कार्यक्रम में। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो नीचे दिए गए नंबर पर मिस कॉल जरूर करें। परमेश्वर आपको आशीषित करे। आशा भरी नारी ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।